गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ एमएस पावर पॉइंट के बारे में, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। इसे पूरा रिवाइज़ करिएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। करीब मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट्स का वीडियो है, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा सब्जेक्ट है ये लेसन 5 का एमएस पावर पॉइंट। इसे ज़रूर रिवाइज़ करिए, इसको ज़रूर देखिए, है ना। ये नहीं आप थोड़ा सा देख के छोड़ दिए, उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल ही होता है वो मेन, मतलब मेन समझ लीजिएगा, मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो इसी कारण मैंने को बनाया हुआ है, 20 मिनट्स लगे हैं बनाने में। तो आप इसको कम से कम उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ऋषि कुमार श्रीवास्तव, क्लास 4th। ओके, चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात तो मैंने इसका ऑनलाइन वीडियोस आपको मैंने बता दे दिया था, ऑफलाइन वीडियो मैंने इसका दिया हुआ है, ठीक ना। और मैं अब ये जो व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट में, जो प्रेजेंटेशन, जो पावर पॉइंट बताना मुझको है 2010 के बारे में पूरा का पूरा, तो अब मैं ये आपको प्रैक्टिकली पूरा बताऊंगा, प्रैक्टिकली तरीके से बताऊंगा, इसको समझिए, ठीक ना। क्योंकि पढ़ने में पूरा पढ़ा दिया मैंने, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल तौर पर बताऊँगा तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन। ओके, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या हमारा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन होता क्या है, पहले हम जानेंगे प्रेजेंटेशन है क्या। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि ए प्रेजेंटेशन इज़ द वे समथिंग इज शोन और ए टॉपिक एक्सप्लेन टू एन ऑडियंस। ओके, तो क्या कह रहा है कि जो भी चीज़ें बनती हैं, हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, है ना, मान लीजिए कि ये प्रेजेंटेशन जो हम शो करते हैं, जिसका एक्सप्लेन करते हैं, और किसको, ऑडियंस के द्वारा, हम जब लोग बैठे होते हैं, ऑडियंस मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, बैठे होते लोग हैं, उनके सामने जो किसी भी चीज़ का हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो वही क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है। जैसे किस किस के द्वारा हम प्रेजेंटेशन करते हैं, पीपल प्रिंटेड के द्वारा, मटेरियल्स के द्वारा, कंटेनिंग टेस्ट के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा, चार्ट्स के द्वारा, नरेशंस के द्वारा, ये तरीके जो होते हैं हम इसका क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब ये पहले, जब पहले क्या होता था, पहले अलग अलग चीज़ों को हम रखते थे तब बताते थे, लेकिन अब क्या है, जब से हम कंप्यूटर आया है ना, तब से हम लोगों ने क्या किया, या प्रेजेंटेशन क्या किया हमने, हमने इसका एक सॉफ्टवेयर ही बना डाला, इसका नाम है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और प्रेजेंटेशन करने के आपको अलग अलग तरीके यहाँ पर मिलेंगे। जैसे एज फॉर द यूज़ द कंप्यूटर हैज़ द इन्वॉल्व्ड पीपल ऑफ द कंबाइंड टेस्ट पिक्चर साउंड वीडियो एनिमेशन ग्राफ्स चार्ट वन स्क्रीन, एक ही स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। द मेक्ट इज़ वेरी इज द पर्सन टू अफेक्टिव पावर पैक द प्रेजेंटेशन इज अ वन ऑडियंस। और क्या करते हैं हम इसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आइए हम प्रेजेंटेशन के बारे में जानते हैं, कैसे एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं, सारी चीज़ों को हम इसको इसमें आपको डिफाइन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो ये देखिएगा, डिफाइन करने का तरीका पहले क्या है कि पहले हम आते हैं एमएस पावर पॉइंट में। पहले एमएस पावर पॉइंट को यहाँ से आप सर्च करेंगे, चाहे आप आल प्रोग्राम में आइए, आल प्रोग्राम में आने के बाद आप एमएस ऑफिस में आइए, ये देखिएगा एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस क्लिक करेंगे। एमएस ऑफिस क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा तो आपको एमएस पावर पॉइंट मिल जाएगा, ये देखिए एमएस पावर पॉइंट, ठीक ना, क्लिक करेंगे ये देखिएगा ओपन हो गया। तो जो पहला, ये जो आपका पहला ओपन हो रहा है, इसे बोलते हैं स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट। क्या है ये, स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट है ये। और जो फर्स्ट कंटेंट है, ठीक ना, इसको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट कंटेंट से बोलते हैं प्लेस होल्डर। ओके, जिस पर हम किसी, मान लीजिए कोई नाम भी लिख सकते हैं, आज का मान लीजिएगा तो टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट, है ना। कौन बता रहा है, कौन सी संस्था बता रही है, सेंट ज़ेवियर। ओके, तो ये प्लेस होल्डर से बोलते हैं, प्लेस होल्डर से बोला जाता है। ओके, और देखिए इसे क्या बोलते हैं, ये प्लेस होल्डर्स हो गया। ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसे हम रिबन बोलते हैं, है ना, ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ना, पूरा का पूरा ये चीज़ जो है इसे हम क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, रिबन है। एंड द स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स है, ये आउटलाइन है
है ना। आउटलाइंस भी आप देख सकते हैं, जो आपने राइट किया ये दिख रहा होगा, और ये स्लाइड्स हैं। ओके, और देखिए सेकंड आपका क्या है, नोट पेन है। नोट पेन का मतलब यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हैं। ओके, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कुछ करना रहे आप तो लिख रहे होंगे आप। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। स्टेटस बार में दिखा रहा है कि स्लाइड वन बाई वन, वन का मतलब एक ही पेज ओपन हुआ है, इस कारण ये वन बाई वन दिखा रहा है। ऑफिस थीम है जो दिखा रहा है, हम बना रहे हैं, ये कौन सा थीम है, ऑफिस थीम है, ठीक ना। और क्या, नोट पैन के बारे में मैंने बता ही दिया आपको बारे, प्लेस होल्डर, विप बटन, विप बटन का मतलब क्या होता है, ये तीन है विप बटन, पहला नॉर्मल में है, ये स्लाइड शो में करेंगे छोटे में, देखिए ऐसे दिखेगा है ना, और ये देखिए ऐसा दिखेगा, ठीक ना, यहाँ से करेंगे विप, ये तीनों का फंक्शंस है। यहाँ साइज का आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए है ना, देख रहे हैं ना, ये चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाएंगी। ये सारा का सारा फंक्शन था जो मुझे आपको बताना था, ये सारे चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक ना। अब क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे करते हैं, अगर आपको क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें फाइल में आना होगा, यहाँ पे न्यू आएगा, न्यू क्लिक करेंगे आप तो देखिएगा यहाँ पर आपको बहुत से फीचर्स मिल जाएंगे। आप देख रहे होंगे टेम्पलेट हैं, थीम है अलग अलग, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी, ठीक ना। तो ये क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखेंगी यहाँ से। अगर आप नया करना पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा यहाँ से, मैंने फिर वही चीज़ है क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेस होल्डर, इसे क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर्स बोलते हैं, तो प्लेस होल्डर्स में मैंने फिर लिख दिया, मतलब टॉपिक क्या था मेरा, एम एस पावर पॉइंट, ओके। ठीक ना, और ये मान लीजिए मैं अपना राइट नाम राइट कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें आपको करना क्या है, अब इस यहाँ से आप कर सकते हैं, आप चाहे अब यहाँ पे न्यू स्लाइड्स में आएंगे तो बहुत से आपको कंटेंट दिखेंगे, बहुत से स्लाइड्स दिखेंगे, खैर तो ये सारी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। अब इसमें करना क्या है, क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, मान लीजिए आपने किया, फिर सेव द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आएंगे तो आपको सेव का भी ऑप्शन मिलेगा, सेव करेंगे जैसे ही द डेस्कटॉप पे, हम क्या करें डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इसको, डेस्कटॉप पे मैंने ऋषि के नाम से सेव कर रहा हूँ मैं, ओके, ऋषि के नाम से मैंने इसको सेव किया है तो ऋषि के नाम से सेव होगा। लेकिन ये जो फाइल है ना, अभी देखिएगा मैं टी एस टी के नाम से, ये फाइल पी पी टी के नाम से, देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, तो ये पी पी टी के नाम से ये फाइल सेव होगी, है ना। ओके, जैसे हम इसको सेव करेंगे ये सेव हो जाएगी फाइल, अब आपको फाइल दिखा रहे हैं, ठीक ना, तो ये फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा ऋषि के नाम से ये फाइल क्या हो गई है, सेव हो गई, ये देखिएगा, ये देखिए ओपन हो गई, ठीक ना, सेविंग द प्रेजेंटेशन। डेवलपिंग द टाइटल स्लाइड्स, अगर आपको डेवलप करना है स्लाइड्स को, कुछ नया नया चीज़ें उसमें ऐड करनी है प्लेस होल्डर्स में, तो मैंने भी बताया था, तो थोड़ा सा डेवलप करना है तो आप थोड़ा सा और कुछ कर लीजिए इसमें, इसको मान लीजिए आपको थोड़ा ये कर लीजिए, थोड़ा बोल्ड कर लीजिए इसको, है ना, कलरिंग करना है थोड़ा कलरिंग कर लीजिए, है ना, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कैलिबरी कर लें इसको, थोड़ा सा अलग तरह का दिखा दें, ठीक ना, फिर आप चाहते हैं कि ऋषि जो है इसको भी हम थोड़ा सा चेंजिंग कर डालें, है ना, तो ये कर सकते हैं, चेंजिंग आप कर सकते हैं, ठीक ना, ये सारी चीज़ें आप प्रेजेंटेशन के रूप में दिखा सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये कही जाती है कि अब हमें एडिंग ए न्यू स्लाइड्स, अगर हमें ऐड करना है स्लाइड्स को, तो ऐड स्लाइड को ऐड करने के लिए हम एडिंग न्यू स्लाइड्स में आएंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, स्लाइड को ऐड करते हैं, यहाँ देखिए एडिंग किया मैंने स्लाइड्स को, और ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर लीजिए, अलग अलग तरह के कंटेंट आप ऐड करते जाएंगे, और ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर लीजिए, ये सारा स्लाइड्स मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया है, ठीक ना। अब ये देखिएगा एडिंग ए न्यू स्लाइड्स है, हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे काम वर्क करता है। जैसे एडिंग टू स्लाइड यहाँ पर आप लिखा, मान लीजिए आपने लिखा एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एम एस पावर पी ओ पॉइंट प्रेजेंटेशन पी आर प्रेजेंटेशन,
अब ये प्रेजेंटेशन एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका हो गया, ठीक ना। अभी एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप बहुत सी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। देखिए पहला दिया है इंसर्ट टेबल के बारे में दिया हुआ है, इंसर्ट चार्ट दिया हुआ है, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स दिया हुआ है। ये क्या है इंसर्ट, ये पिक्चर्स के बारे में है, ये क्लिप आर्ट के बारे में है, और ये मूवी के बारे में है। इतनी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं इसमें हम ऐड कर सकते हैं, है ना, ऐड करके हम इसको बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें भी अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमको ये सब पढ़ना है, सब बताना है आपको, है ना। तो पहला जो अभी आप आगे जो पढ़ने वाले हैं हेडिंग न्यू स्लाइड्स के बाद डिफरेंट स्लाइड लेआउट सारा चीज़ दिया हुआ है। अब हमको यही सब जानना भी है, क्लिप आर्ट कैसे बनाएंगे, चेंजिंग द स्लाइड लेआउट कैसे करेंगे, एडिंग टाइटल स्लाइड कैसे करेंगे, एडिंग क्लिप आर्ट टू ए स्लाइड्स कैसे बनाएंगे, ओके। फिर हम कैसे बनाएंगे आपका एडिंग द पिक्चर फ्रॉम ए फाइल, पिक्चर्स आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, अप्लाई स्टाइल और पिक्चर्स अगर हमको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, अप्लाई द ट्रांजिशन इफेक्ट अगर आपको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, है ना। और रनिंग ऑफ द स्लाइड शो, और रनिंग ऑफ द स्लाइड शो अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक ना, ये सारा चीज़। तो पहले हम टेबल पे आते हैं। देखिए टेबल के लिए यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉलम, है ना, आप नंबर ऑफ कॉलम बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे टेबल पे, जैसे ही क्लिक किया फिर देखिएगा आप टेबल पे आएंगे, टेबल जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए टेबल आप में आप यहाँ पे देखिए बन गया। अब इसे चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, ओके, और यहाँ आप राइट कर सकते हैं कुछ भी, है ना। देखिए यहाँ पर राइट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप भी जैसे ऋषि दे दिया आपने यहाँ पर, है ना, फिर आपने दे दिया यहाँ पे नेम दे दिया, यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया कि मान लीजिए जो बच्चा पढ़ता है फोर्थ में पढ़ता है, ठीक ना, ओके, क्या क्या पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, साइंस, मैथ, हिंदी, जीके, यानी सब्जेक्ट्स, ओके, परसेंटेज कितना है, ये सारी चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ में हम आते हैं, दूसरी चीज़ देखिएगा, अब हम आते हैं फिर उसी में हम दूसरा कंटेंट को देखते हैं। तो हम बताते हैं चार्ट के बारे में, अगर आपको चार्ट बनाना है तो यहाँ पे देखिए बहुत से चार्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो चार्ट का भी ऑप्शन आपको यहाँ बन जाएगा, है ना। अब जैसा इस पर फिल करना चाहते हैं, कंपेरिजन करना चाहते हैं, क्योंकि कंपेरिजन किया जाता है चार्ट में, तुलना की जाती है ना, तो ये हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। देखिए चार्ट को मैंने ऐड किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, ऐसे करके ऐड किया हुआ है। थर्ड में आते हैं, फिर मान लीजिए आपको कोई और बनाना है और कुछ करना, तीसरा कंटेंट क्या है, स्लाइड्स इंसर्ट। अब यहाँ पे देखिए तरीका है इसको, इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाता है। अब हमें लिखना है मान लीजिए, तो यहाँ हमने ऐसे ऐसे करके लिख दिया, है ना, ऋषि, और ये मेरे प्यारे बच्चे हैं सब, है ना, स्टूडेंट्स, ओके, ये स्टूडेंट्स मैंने बना दिया, ठीक ना। अब अगर आपको और करना कुछ है, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर लेते हैं। ये देखिएगा पिक्चर्स, हम पिक्चर्स यहाँ से ले सकते हैं, हमने फ्लैग का पिक्चर्स ले लिया यहाँ पर, है ना, ठीक ना, ये फ्लैग का पिक्चर्स हमने ले लिया, ओके। फिर देखिएगा एक और कंटेंट आ जाते हैं, एक और कंटेंट में आते हैं, फिर ये क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट का देखिए यहाँ पर है, आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, देख रहे हैं ना, तो ये बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट में, ठीक ना, क्लिप आर्ट में आपको बहुत से यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे करने के लिए। फिर मान लीजिए, फिर आपको मान लीजिए कोई और चीज़ आपको रखना है यहाँ से, फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको मिलेगा मूवी के रूप में मिलेगा। मान लीजिए ये मूवी है, अब इस मूवी को हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये देखिए मूवी यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं, आगे देखिएगा ये सभी चीज़ें, ये कंपेरिजन करने के लिए बनाया था, कंटेंट स्लाइड्स हैं, ये भी और स्लाइड्स हैं, तो हम इसको नीचे कर देते हैं, ऊपर ही कर देते हैं इसको, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें जितनी बताई मैंने आपको, ये हम जो भी बनाएंगे ये इस तरह बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जितनी मैंने आपको बताई हैं ये सारा चीज़ इसमें है। अब रनिंग द स्लाइड करना है तो फंक्शन में एक F5 की आता है, F5 की आप जानते हैं कि ऊपर F1, F2, F3, F4, F5, F5 जैसे ही क्लिक करेंगे आप, है ना, जैसे ही F5 क्लिक करेंगे ये देखिएगा आ जाएगा, ठीक ना। आने के बाद आप देखिए, आप ऐसे जो भी हमने बनाया था ये देखिए सामने सब दिख रहा है ना, ठीक ना, ये सारी चीज़ें आपको सामने दिखेंगी, ओके। अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन में करना चाहते हैं सब, तो ये एडमिशन भी हो सकता है, ऐसे कर दें, ठीक ना, ओके, इसको आप चाहते हैं इस तरह कर दें, इसको चाहते हैं आप ऐसे कर दें,
फ़ोटो पे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए इसको आपने कर लिया है ना, अब क्या है, अब ये फाइव फिर से करिए, अब एनिमेशन में देखिए, अब देखिए बनता जाएगा, देख रहे ना, ये देखिए है ना, कुछ नए तरह का आपको तरीका इसमें दिख रहा होगा। ये देखिए कुछ वीडियोस जो, जी देखिए, ये देखिए जो हमने वीडियोस बनाई थी, हमने अभी दिखाया था कि वीडियो क्लिप भी ऐड करेंगे, देखिए ये वीडियो क्लिप भी हमने ऐड कर दिया है, तो ये बता रहा है कैसे ये चलेगा, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको रनिंग करके बता दी हैं, ठीक ना। तो हम ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक ना, ये देख रहे हैं ना कि वीडियो चल रहा है, ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन था जो आपको पढ़ना था, बहुत ज़रूरी था बताना मुझे, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक ना। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ से आएंगे, यहाँ से आने के बाद अब हमें क्या करना है, अगर आपको क्लोज़ करना है तो यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, यहाँ से यस करेंगे तो ये क्लोज जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी के रूप में देखिए कि ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया, अब देखिए ये जो ये बना बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, इसको मैं थोड़ा दिखा दूँ कि मैंने देखिए कितनी मेहनत किया, कितना वर्क किया मैंने इसमें। ये देखिए ऑनलाइन द कंप्यूटर क्लास है ना, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक ना, ये देख रहे हैं ना कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, इसको मैंने बनाया है, इसमें स्लाइड्स भी रखे हैं, इसमें नेम भी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए हैं, ये देखिए छोटा छोटा क्या हमने इसका फ़ोटोज़ हमने इसको ऐड किया हुआ है, जितने जैसे तरीका बताया वैसे ही मैंने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक ना, देख रहे हैं ना, ये देखिए सब सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर, देखिए सारी चीज़ें ये सब मैंने बनाया है, ऐसे ऐसे हमने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक ना। लिखने का तरीका क्या होता है, आप क्लिक करेंगे तो राइट भी कर सकते हैं जैसे बताया मैंने, है ना, आप यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी देखिए यहाँ हम राइट कर रहे हैं, ओके ठीक ना, तो यहाँ से राइट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, समझाई, कोशिश की पूरी आपको हर चीज़ आए, है ना। अब घर पे आप क्या करिए, जितनी चीज़ मैंने बताई हैं अप्लाइंग, ये सारी चीज़ जितनी बताई मैंने, इसको अप्लाई करिएगा, इसकी कोशिश करिएगा बार बार रिपीट करने का, है ना। तो जब आप बार बार इसको रिपीट करेंगे तो तब ये आएगी समझ में कि करना क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट के बारे में बता दिया था मैंने कि कौन कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट होगा, एनिमेशन बता दिया था, है ना, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप जब इसको करेंगे तभी आएगा समझ में कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ये स्लाइड शो के बारे में जो मैंने आपको बताया था, स्लाइड शो के बारे में, ठीक ना। तो ये डिज़ाइनिंग बता दिया, इंसर्ट बता दिया। अब यहाँ से क्या होता है, देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं बताने लायक हैं। इंसर्ट में, इंसर्ट में आते हैं तो शेप भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये साइज बनाने की कोई चीज़ है तो ऐसे कर सकते हैं, है ना। इसको एडिट करेंगे तो इसमें राइट भी कर सकते हैं, है ना, देखिए यहाँ पर राइट कर दिया हमने, ठीक ना। ये एडिट करने का तरीका होता है। चार्ट का मैंने बता दिया था, फोटो एल्बम्स को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर यहाँ से भी आप ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो पिक्चर यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। इसे छोटा कर लीजिए, जो आपने लिखा हुआ है लिखा रहेगा, राइट रहेगा, ओके। आप यहाँ नीचे कर लीजिए इसको, चाहे ऊपर कर लीजिए, कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं आपने, तो आप सेट कर सकते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये करने का तरीका है पूरा एमएस पावर पॉइंट में वर्क करने का। तो जो किताब में है, जो बुक्स में है, उसको मैंने पूरे अच्छी तरीके से समझा दिया है, खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप पूछिएगा। ये पूरा लेसन फाइव मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज मैं लेसन सिक्स पढ़ाने वाला था लेकिन आज मैं पढ़ा नहीं पाया, लेसन फाइव का प्रैक्टिकल भी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको रिवाइज़ कर दे, ठीक ना। कल हम ऑनलाइन लेसन सिक्स क्लास लेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।